नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरुद्ध कल राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने को कहा। अमरीकी सांसद स्वतंत्रता दिवस समारोह और लाल किले में प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। दक्षिण कोरिया में भीषण तूफान की आशंका को देखते हुए हजारों स्काउट्स को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज गयाना में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। दोपहर 12 बजे के बाद सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के INDIA गठबंधन की ओर से मणिपुर के लिए प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि ये राज्य न्याय की मांग कर रहा है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर का दौरा करने क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे राज्य में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर में उन्होंने कभी भी दो समुदायों के बीच फूट नहीं देखी। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नवगठित विपक्षी गठबंधन INDIA की एकजुटता पर प्रश्न उठाए। उन्होंने पिछले उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में कई मुकदमे दायर किए गए और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लक्ष्य करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में कथित भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने एक समाचार पोर्टल को कथित तौर पर विदेश से पैसे मिलने का भी मुद्दा उठाया और पूछा कि यह मामला उठाने पर कांग्रेस क्यों चिंतित है। यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया इंडिया बात कर रहे हैं। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूँ कि जितना इंडिया इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, उतनी बार इंडिया इंडिया का यहाँ नारा लगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही दिन के 2 बजे तक और लोकसभा की दिन के 12 बजे तक स्थगित की गई। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के स्थगन नोटिस की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने नियम 267 का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन के अन्य सभी कार्य निलंबित करने का प्रावधान है। उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने डेरेक ओब्रायन के व्यवहार पर आपत्ति दर्ज की। श्री गोयल ने सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद को शेष सत्र से निलंबित किए जाने का भी प्रस्ताव दिया। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वामदल और अन्य विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने बताया कि टीएमसी सांसद के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की गई है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने सदन की व्यवस्था और गरिमा बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि डेरेक ओब्रायन एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें सभापति के आसन प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए और अपने आचरण पर खेद प्रकट करना चाहिए। इसी बीच भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक मीडिया पोर्टल को विदेशी धन दिए जाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के अलावा डीएमके, टीएमसी, वामदल और अन्य विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और सदन की कार्यवाही दिन के 12:45 तक और फिर उसके बाद दिन के 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों को लेकर विरोध प्रकट किया। कल निशिकांत दुबे ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं पर चीन से पैसे लेकर भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए एक समाचार पोर्टल की मदद करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद की कार्यवाही से इस मुद्दे को हटाने की मांग की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री चौधरी की मांग को गुमराह करने वाला बताया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर कांग्रेस सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और शोर शराबा के बाद अध्यक्ष ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक समाचार पोर्टल के साथ साठगांठ रही है, जिसे कथित तौर पर चीन से पैसे मिले हैं। संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से कथित तौर पर पैसे मिलने के बारे में श्री राहुल गांधी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि समाचार पोर्टल की मदद करने से उनकी पार्टी को क्या लाभ हुए। राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफी मांगने का। राहुल गांधी जी सदन में देश से माफी मांगी और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहां कहां इस्तेमाल किया। अब देश से माफी मांगिए कि जो चाइना न्यूज क्लिप को फंड करता है उसको आपने क्यों समर्थन किया और इससे आपको क्या क्या लाभ मिला, देश को आप बताइए सदन के अंदर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वे कल से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरूद्ध देशव्यापी अभियान शुरू करें। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, डॉ एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। अमरीकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत आने की योजना बना रहा है। ये सांसद 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय मूल के अमरीकी सांसद रो खन्ना और सांसद माइकल वॉल्ज शामिल हैं। इनके अलावा डेबोरा रॉस, कैट केमॉक, श्री थानेदार, जैस्मिन क्रोकेट, रिच मैकोमिक और एनक्रॉस भी हैं। अमेरिका का ये द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत में व्यापार, प्रौद्योगिकी, सरकारी और बॉलीवुड सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात करेगा। श्री रो खन्ना ने बताया कि भारत के लिए द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे गौरवान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के आर्थिक और रक्षा संबंध और अधिक मजबूत करने के उपायों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान में सभी गांवों से लेकर जिला स्तर तक मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम कल से शुरू होंगे और 15 अगस्त तक चलेंगे। इस अभियान के तहत कल सभी गांवों में वसुधा वंदन के रूप में अमृत सरोवरों और जलाशयों के पास 75 पौधों का रोपण कर अमृत वाटिका का निर्माण, वीरों के वंदन के रूप में स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं और उनके परिवार, केंद्रीय या राज्य सशस्त्र सीमा बल, पुलिस का वंदन और सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान होगा। 11 अगस्त को यह आयोजन ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर 15 अगस्त को होंगे। भारत स्टार्टअप उद्यमियों, निवेशकों, इंक्यूबेटर्स और उद्यमियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस वर्ष ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों के सातवें सम्मेलन में घोषणा की। देश में आए बदलावों का जिक्र करते हुए श्री गोयल ने स्टार्टअप इंडिया पहल के विस्तार का भी उल्लेख किया। इस पहल के तहत देश में लगभग 1 लाख स्टार्टअप उद्यम शुरू हुए हैं। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के उद्योग मंत्रियों ने भी ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटलीकरण, औद्योगिकीकरण, नवाचार, समावेशन और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गरीब लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए 2,41,00,000 से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। सरकार ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए लागू की गई राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना से देशभर में इस तरह की हिंसा में लगातार गिरावट आई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये सूचना दी। एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि प्रभावित राज्यों में 2010 के मुकाबले पिछले वर्ष वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 76% कमी आई है और इसके कारण लोगों की मृत्यु में 90% गिरावट है।
उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर हिंसा मामले में उच्च न्यायालय की पूर्व महिला न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इसके अलावा 42 विशेष जांच दलों की भी घोषणा की गई है। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि ये समिति अभी चल रही है, जांच के दायरे से आगे मानवीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये एक व्यापक आधार वाली समिति होगी। ये राहत, सुधार और पुनर्वास उपायों तथा आवास और पूजा स्थलों के पुनरुद्वार जैसे मामले देखेगी। हरियाणा के गुरुग्राम के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसक घटनाओं के बाद शहर में लगाई गई धारा 144 हटा दी गई है। प्रशासन ने बताया है कि हालात अब सामान्य हो गए हैं। गुरुग्राम के उपायुक्त शांत कुमार यादव ने धारा 144 को रद्द करने की अधिसूचना के साथ ही सभी नागरिकों से सावधानी बरतने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। न्यायमूर्ति सुभाषीष तालापात्रा ने आज ओडिशा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति तालापात्रा ओडिशा उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्हें डॉ एस मुरलीधर की जगह मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देश के विभिन्न भागों में हाल की बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए गृह मंत्रालय की पहल के तहत एक केंद्रीय दल ने आज पंजाब के मोहाली जिले के बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के वित्तीय सलाहकार श्री रविनेश कुमार के नेतृत्व में इस दल ने आवासीय, फसल, पशुधन और सड़कों को हुए नुकसान का जायजा लिया। दल के सदस्य बाढ़ग्रस्त गांवों, कृषि भूमि और घग्गर नदी के तट तक गए। उन्होंने गांवों के निवासियों, किसानों, राजनीतिक नेताओं और किसान संघों से भी बातचीत की। हरियाणा सरकार यमुनानगर जिले में एक बांध के निर्माण की योजना बना रही है। 6,134 करोड़ रुपए की लागत से ये बांध हथनीकुंड बैराज से 4.5 किलोमीटर विपरीत प्रवाह की ओर बनाया जाएगा और इसके साथ 14 किलोमीटर लंबा जलाशय भी होगा। परियोजना के पूरा होने पर राज्य में सिंचाई के लिए अधिक जल उपलब्ध होगा। साथ ही 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के अलावा भूजल में वृद्धि और मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि संबंधी कार्यों में भी सहायता मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण कोरिया में भीषण तूफान की आशंका को देखते हुए पूरी दुनिया से आए हजारों स्काउट्स को उनके शिविरों से सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। ये स्काउट्स पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया के दक्षिण पश्चिम तट से बुआन में शुरू हुए वर्ल्ड स्काउट्स जेम्बोरी में भाग ले रहे थे। 37,000 स्काउट्स को हटाने के लिए 1,000 से भी अधिक वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। तूफान खनून के असर से तेज हवाएं चलने और वर्षा का अनुमान है। पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से इस तूफान से जापान के दक्षिण पश्चिम द्वीपों में तेज वर्षा हो रही है और मकानों को नुकसान पहुंचा है। आज सुबह यह तूफान कागोशिमा से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज गयाना में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में कल रात चेन्नई में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। बुधवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और काठमांडू विश्वविद्यालय शोध के सभी क्षेत्रों में पीएचडी स्तर पर संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम उपलब्ध कराने पर सहमत हुए हैं। आईआईटी हैदराबाद के प्रतिनिधिमंडल के हाल के काठमांडू विश्वविद्यालय दौरे में दोनों संस्थानों के बीच संबंध मजबूत करने के बारे में कई फैसले किए गए। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत भारत और नेपाल के विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डिजाइन और चिकित्सा नवाचार क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरुद्ध कल राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने को कहा। अमरीकी सांसद स्वतंत्रता दिवस समारोह और लाल किले में प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। दक्षिण कोरिया में भीषण तूफान की आशंका को देखते हुए हजारों स्काउट्स को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज गयाना में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।